हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की ट्रिक्स देखेंगे। अननोन जीनोटाइप में टेस्ट क्रॉस में क्रॉस विथ रिसेसिव पेरेंट, आउट क्रॉस में क्रॉस विथ डोमिनेंट पेरेंट। सो इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, सो इसको याद करने की ट्रिक है TRP। टी हो जाएगा टेस्ट क्रॉस के लिए, RP हो जाएगा रिसेसिव पेरेंट के लिए। एंड जब ये टेस्ट क्रॉस इस ट्रिक से याद हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आउट क्रॉस अपने आप ही याद हो जाएगा। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इसको सटन एंड बवेरी ने दिया था, सो इसको याद करने की ट्रिक है BSC। बी हो जाएगा बवेरी के लिए, एस हो जाएगा सटन के लिए एंड सी हो जाएगा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के लिए। थ्री साइंटिस्ट डिवरीज, कॉरेंस एंड वॉन शेयर मार्क इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडल्स रिजल्ट्स ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। सो इसको याद करने की ट्रिक है VCT। सो वी हो जाएगा वरीज के लिए, सी हो जाएगा कॉरेंस के लिए, टी हो जाएगा शेयर मार्क के लिए। हैंकिंग गेव अ नेम टू दिस स्ट्रक्चर राइट द एक्स बॉडी, इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं एक्स हैंक। सो इस तरीके से आप लोग ये याद कर लेंगे हैंक एक्स। सो हैंकिंग गेव अ नेम टू दिस स्ट्रक्चर राइट द एक्स बॉडी। ग्रास ओपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स जीरो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन विच द मेल्स हैव ओनली वन एक्स क्रोमोजोम्स बिसाइड्स द ऑटोजोम्स, वेयर इज फीमेल्स हैव अ पेयर ऑफ एक्स क्रोमोजोम्स। सो इसमें मेल के पास वन एक्स क्रोमोजोम्स हो, इसको याद करने की ट्रिक है OMG। सो ओ हो जाएगा एक्स जीरो के लिए एंड एम हो जाएगा मेल्स के लिए, जी हो जाएगा ग्रास ओपर के लिए। सो इस ट्रिक से आप लोग ये बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। फीमेल वर्ड हैज बीन डिजाइनेटेड टू बी द जेड एंड डब्ल्यू क्रोमोजोम्स, फीमेल्स हैव वन जेड एंड वन डब्ल्यू क्रोमोजोम्स, मेल्स हैव अ पेयर ऑफ जेड क्रोमोजोम्स बिसाइड्स द ऑटोजोम्स। सो इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं FWZ। सो एफ हो जाएगा फीमेल के लिए एंड उसके पास डब्ल्यू एंड जेड क्रोमोजोम्स हैं, सो फीमेल्स हैव वन जेड एंड वन डब्ल्यू क्रोमोजोम्स, मेल्स हैव अ पेयर ऑफ जेड क्रोमोजोम्स बिसाइड्स द ऑटोजोम्स। सो इसकी ट्रिक हो जाएगी MZ। एम हो जाएगा मेल्स के लिए, जेड हो जाएगा जेड क्रोमोजोम्स के लिए। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आर हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइल कीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया। सो इसको याद करने की ट्रिक है टफ पीसीएस। टी हो जाएगा थैलेसीमिया के लिए, एच हो जाएगा हीमोफीलिया के लिए, एफ हो जाएगा सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए, पी हो जाएगा फिनाइल कीटोन्यूरिया के लिए, सी हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस के लिए, एस हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया के लिए। सो इस ट्रिक से आप लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर्स बहुत ही इजीली याद कर सकते हैं TFPCS। इस ट्रिक से बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स, सो इसमें है सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया। सो इसको याद करने की ट्रिक है शार्प होता है बट ट्रिक के लिए शार्प लिखा गया है। सो एस हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया के लिए, ए हो जाएगा ऑटोसोमल के लिए, आर हो जाएगा रेसेसिव डिसऑर्डर के लिए, पी हो जाएगा फिनाइल कीटोन्यूरिया के लिए। सो इस ट्रिक से आप लोग ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर्स बहुत ही इजीली याद कर सकते हैं, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड ट्रिक हो जाएगी शार्प। सो ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया। सो इस ट्रिक से आप लोग ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर्स को याद करने की ट्रिक है सही हो जाएगा सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर के लिए, हाई हो जाएगा हीमोफीलिया के लिए। सो गाइस चैप्टर 5 की ट्रिक्स कंप्लीट हो गई है। चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजिनस पेयर्स, प्योरिन्स दैट इज एडिनिन एंड ग्वानिन एंड पिरिमिडिन्स दैट इज साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ DNA एंड RNA एंड थायमिन इज प्रेजेंट इन DNA, यूरेसिल इज प्रेजेंट इन RNA एट द प्लेस ऑफ थायमिन। सो इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूरेसिल RNA में होगा या DNA में होगा। सो इसको आप लोग बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, इसमें यूरेसिल में R आ रहा है एंड RNA में भी R है, सो यूरेसिल इज प्रेजेंट इन RNA एंड थायमिन में R नहीं है, सो थायमिन इज प्रेजेंट इन DNA। एंड नाइट्रोजिनस बेसिस को याद करने की ट्रिक है प्योरिन्स में है एडिनिन एंड ग्वानिन,
पिरिमिडिन्स में है साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। सो प्योरिन्स की ट्रिक हो जाएगी ए जी प्योर। सो ए हो जाएगा एडिनिन के लिए, जी हो जाएगा ग्वानिन के लिए, प्योर हो जाएगा प्योरिन्स के लिए। पिरिमिडिन्स की ट्रिक हो जाएगी कट, सी हो जाएगा साइटोसिन के लिए, यू हो जाएगा यूरेसिल के लिए, टी हो जाएगा थायमिन के लिए। सो इस ट्रिक से आप लोग प्योरिन्स एंड पिरिमिडिन्स बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। वह नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर न्यूक्लियोसाइड होगा या फिर न्यूक्लियोटाइड, इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। सो इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं, न्यूक्लियोसाइड में एस आ रहा है एंड नाइट्रोजिनस शुगर एंड शुगर में एस। सो शुगर न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड में कोई एस नहीं है, सो ये न्यूक्लियोटाइड नहीं होगा। नाइट्रोजिनस बेस प्लस शुगर न्यूक्लियोसाइड होगा। एडिनिन फॉर्म्स टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ थायमिन, ग्वानिन इज बॉन्डेड विथ साइटोसिन विथ थ्री एच बॉन्ड्स। सो इसको याद करने की ट्रिक है, ये देखिए टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स ए टी ए टी जी सी। सो इसे आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं एट एट, सो ए टी जी सी। देयर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स कॉल हिस्टोन्स। हिस्टोन्स आर रिच इन द बेसिक अमाइनो एसिड्स एंड आर्जिनिन्स। सो इसको याद करने की ट्रिक है, हिस्टोन इज इन लैब, एल हो जाएगा लाइसिन के लिए, ए हो जाएगा आर्जिनिन के लिए, बी हो जाएगा बेसिक के लिए। सो हिस्टोन प्रोटीन्स बेसिक अमाइनो एसिड्स लाइसिन एंड आर्जिनिन्स। स्टार्ट कोडॉन ए यू जी है, स्टॉप कोडॉन यू ए ए यू ए जी यू जी ए है। सो इसको याद करने की ट्रिक है, स्टार्ट कोडॉन सो आओ जी मतलब जब कुछ भी स्टार्ट होता रहता है तो लोग बुलाते हैं आओ जी, आओ जल्दी स्टार्ट हो रहा है। सो स्टार्ट कोडॉन हो जाएगा आओ जी, स्टॉप कोडॉन उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया। सो इस ट्रिक से आप लोग स्टॉप कोडॉन याद कर सकते हैं। सो स्टार्ट कोडॉन हो जाएगा आओ जी, स्टॉप कोडॉन हो जाएगा उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया। सो इस ट्रिक से आप लोग स्टार्ट कोडॉन एंड स्टॉप कोडॉन बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। लैक ओपेरॉन आई जीन कोड्स फॉर द रिप्रेसर ऑफ लैक ओपेरॉन, जेड जीन कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई जीन कोड्स फॉर परमिएज, ए जीन इन कोड्स आर ट्रांस एसिटाइलेज। सो इसको याद करने की ट्रिक है, बीपी ठीक है, बीपी ठीक है, तो बीपी टी। सो पहले जेड वाई ए, जेड बीटा का इलेक्ट्रोसाइडेज, वाई परमिएज, ए ट्रांस एसिटाइलेज। सो इसकी ट्रिक हो जाएगी बीपी ठीक है, बी हो जाएगा बीटा का इलेक्ट्रोसाइडेज के लिए, पी हो जाएगा परमिएज के लिए, टी हो जाएगा ट्रांस एसिटाइलेज के लिए। सो जेड जीन कोड्स फॉर बीटा का इलेक्ट्रोसाइडेज एंड वाई जीन कोड्स फॉर परमिएज, ए जीन कोड्स फॉर ट्रांस एसिटाइलेज। सो बीपी ठीक है। सो इस ट्रिक से आप लोग ये बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे एंड इसमें फिर कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगी। लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड इट रेगुलेट्स स्विचिंग ऑन एंड ऑफ ऑफ ओपेरॉन, हेंस इट इज टर्म्ड एज इंड्यूसर। सो इसको याद करने की ट्रिक है, लॉयन एल हो जाएगा लैक्टोज के लिए, आई हो जाएगा इंड्यूसर के लिए, ऑन हो जाएगा ऑन ऑफ के लिए। सो इससे आप लोग ये बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। कोडॉन डी जेनरेट होता है, यूनिवर्सल होता है एंड इसके एक्सेप्शन है प्रोटिस्टा एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इसको याद करने की ट्रिक है, गगन का फिरा मूड, गगन का फिरा मूड। सो गगन में जी हो जाएगा गोविंद के लिए, जी हो जाएगा गेमो के लिए, एन हो जाएगा नीरेनबर्ग के लिए, का हो जाएगा कोडॉन के लिए। सो गोविंद गेमो नीरेनबर्ग कोडॉन एंड फिरा हो जाएगा प्रोटिस्टा के लिए, एम हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, डी यू हो जाएगा यूनिवर्सल के लिए, डी हो जाएगा डीजेनरेट के लिए। सो इस ट्रिक से आप लोग ये बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, गगन का फिरा मूड। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियसेज, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, ट्रांसफरिंग दैट इज ब्लॉटिंग और सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स टू सिंथेसिस मेम्ब्रेन्स सच एज नाइट्रोसेल्युलोज और नायलॉन, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड VNTR प्रॉब एंड डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय ऑटो रेडियोग्राफी। सो इसके स्टेप्स को याद करने की ट्रिक है, इंडिया देश सबसे बढ़िया है दीपिका, इंडिया देश सबसे बढ़िया है दीपिका। इंडिया हो जाएगा आइसोलेशन के लिए, देश हो जाएगा डाइजेशन के लिए, सबसे हो जाएगा सेपरेशन के लिए, बढ़िया हो जाएगा ब्लॉटिंग के लिए, दीपिका हो जाएगा डिटेक्शन के लिए। सो इस ट्रिक से आप लोग ये सारे स्टेप्स बहुत इजीली याद कर लेंगे। सो गाइस चैप्टर 6 की सारी ट्रिक्स कंप्लीट हो गई हैं, चैप्टर 7 इवोल्यूशन। सो पहले इसमें
थ्योरी को याद करने की ट्रिक देखते हैं। पैंसपर्मिया, लाइफ कम्स फ्रॉम आउटसाइड। लुईस पास्टर, डिकेइंग मैटर दैट इज मड, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। हाल्डेन फ्रॉम इंग्लैंड एंड ओपेरिन फ्रॉम रशिया, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स दैट इज आरएनए प्रोटीन। एसएल मिलर, रूप केमिकल इवोल्यूशन। सो इसको याद करने की ट्रिक है, पेन लो हीरो से। पेन हो जाएगा पैंसपर्मिया के लिए, लो हो जाएगा लाइफ कम्स फ्रॉम आउटसाइड के लिए, हीरो का एच हो जाएगा हाल्डेन के लिए, ई हो जाएगा इंग्लैंड के लिए, आर हो जाएगा रशिया के लिए, ओ हो जाएगा ओपेरिन के लिए। सो हाल्डेन फ्रॉम इंग्लैंड एंड ओपेरिन फ्रॉम रशिया, से हो जाएगा एस एल मिलर के लिए। सो इस ट्रिक से आप लोग ये सारी थ्योरी बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। पेन लो हीरो से, पैंसपर्मिया लाइफ कम्स फ्रॉम आउटसाइड, लुईस पास्चर डिकेइंग मैटर दैट इज मड स्पॉन्टेनियस, हाल्डेन फ्रॉम इंग्लैंड एंड ओपेरिन फ्रॉम रशिया, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स दैट इज आरएनए प्रोटीन, एस एल मिलर प्रूव केमिकल इवोल्यूशन। सो पेन लो हीरो से, इस ट्रिक से आप लोग ये बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, होमोलोगस एंड एनालोगस स्ट्रक्चर, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। सो इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, इसका याद करने की ट्रिक है, एच डी एच हो जाएगा होमोलोगस के लिए, डी हो जाएगा डाइवर्जेंट के लिए। एंड इसकी ट्रिक हो जाएगी ए सी, ए हो जाएगा एनालोगस स्ट्रक्चर्स के लिए, सी हो जाएगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के लिए। तो इस ट्रिक से आप लोग डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। ब्रांचिंग, डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कंसेप्ट्स ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। सो इसको याद करने की ट्रिक है डी बी एन, डी हो जाएगा डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के लिए, बी हो जाएगा ब्रांचिंग डिसेंट के लिए, एन हो जाएगा नेचुरल सिलेक्शन के लिए। म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शन लेस, वाइल डार्विनियन वेरिएशंस आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल। सो इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है, इसको याद करने की ट्रिक है एम एल, एम एल, एम हो जाएगा म्यूटेशंस के लिए एंड एल इसमें डायरेक्शन के बाद लेस आ रहा है तो एल हो जाएगा। सो एम एल, एम एल, सो एल हो जाएगा डायरेक्शन लेस के लिए, डायरेक्शन लेस, डायरेक्शनल, डायरेक्शन के बाद इसमें एल नहीं आ रहा है, इसमें ए आ रहा है एंड इसमें डायरेक्शन के बाद एल आ रहा है। सो इसकी ट्रिक हो जाएगी एम एल, म्यूटेशंस डायरेक्शन लेस एंड डार्विनियन वेरिएशंस आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल। इवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज ग्रेजुअल, व्हाइल दी वरीज बिलीव्ड म्यूटेशन कॉज डिसलेशन एंड हेंस कॉल्ड इट सॉल्टेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। इसको याद करने की ट्रिक है एम एस धोनी, एम हो जाएगा म्यूटेशन के लिए एंड एस हो जाएगा सॉल्टेशन के लिए, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। सो इस ट्रिक से अब आप लोगों को इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। बाय द टाइम ऑफ 500 माया इनवर्टिब्रेट्स वेयर फॉर्म्ड एंड एक्टिव, जॉलेस फिश प्रोबेबली इवॉल्व अराउंड 350 माया, सी वीड्स एंड फ्यू प्लांट्स एग्जिस्टेड प्रोबेबली अराउंड 320 माया, फिश विथ स्टूड एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स 350 माया, फिश लाइक रेप्टाइल्स प्रोबेबली 200 माया, फॉर एग्जाम्पल इक्थियोसॉरस। इसको याद करने की ट्रिक है डायन रे आई सब्जी फिश अंदर लाई, डायन रे आई सब्जी फिश अंदर लाई, डायन हो जाएगा डायनासोरस के लिए, रे हो जाएगा रेप्टाइल्स के लिए, आई हो जाएगी इक्थियोसॉरस के लिए, सब हो जाएगा सी वीड्स के लिए, जी हो जाएगा जॉलेस फिशेज के लिए, फिश हो जाएगा फिश विथ स्ट्रॉन्ग फिन्स के लिए, अंदर हो जाएगा इनवर्टिब्रेट्स के लिए, लाई हो जाएगा लाइफ स्टार्टेड के लिए। 65 मिलियन ईयर्स एगो रेप्टाइल्स, 200 मिलियन ईयर्स एगो इक्थियोसॉरस, 200 मिलियन ईयर्स एगो सी वीड, 320 मिलियन ईयर्स एगो जॉलेस फिश, 350, फिश विथ स्ट्रॉन्ग फिन्स 350, इनवर्टिब्रेट्स 500, लाइफ स्टार्टेड 2000। सो इसको याद करने की ट्रिक है सिक्स, पहले सिक्स रहेगा, सिक्स 65 हो जाएगा, सो डायन में डायनासोरस 65, सो सिक्स हो जाएगा एंड उसके बाद दो बार दो आएगा, फिर तीन बार तीन आएगा, फिर एक बार पांच आएगा, एक बार 20 आएगा, सिक्स हो जाएगा डायनासोरस 65 मिलियन ईयर्स एगो, टू हो जाएगा रेप्टाइल्स 200 मिलियन ईयर्स एगो, टू हो जाएगा इक्थियोसॉरस 200 मिलियन ईयर्स एगो, थ्री हो जाएगा सी वीड 320 मिलियन ईयर्स एगो, थ्री हो जाएगा जॉलेस फिश 350 मिलियन ईयर्स एगो, थ्री हो जाएगा फिश विथ स्ट्रॉन्ग फिन्स 350 एंड 500 हो जाएगा इन्वर्टिब्रेट्स के लिए,
2000 हो जाएगा लाइफ स्टार्टेड के लिए। सो इस तरीके से आप लोग ये सीक्वेंस में याद कर लेंगे। सो सबसे पहले लाइफ आई थी, फिर लाइफ से आते आते ऐसे ये पूरा। सो इस तरीके से आप लोग ये याद कर लेंगे। डायन, रे, आई, सब्जी, फिश, अंदर, लाई। डायन डायनासोरस, रे रिप्टाइल्स, आई इक्थियोसोरस, सब सी वीड, जी जॉलेस फिश, फिश फिश विथ स्ट्रॉन्ग फिन्स, अंदर इनवर्टिब्रेट्स, लाई लाइफ स्टार्टेड। एंड ये एक बार सिक्स आएगा, फिर दो बार दो, तीन बार तीन, तीन बार तीन आएगा, फिर एक बार पाँच, फिर बीस। सो इस ट्रिक से अब आप लोग को ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। ह्यूमन इवोल्यूशन, सो इसको याद करने की ट्रिक है, डॉक्टर राम एंड हनुमान जापान कार से गए। डॉक्टर राम एंड हनुमान जापान कार से गए। डॉक्टर हो जाएगा ड्रायोपिथिकस के लिए, राम हो जाएगा रामापिथिकस के लिए, एंड हो जाएगा ऑस्ट्रेलोपिथिकस के लिए, हनुमान हो जाएगा होमोहेबिलिस के लिए, जा हो जाएगा जावा मैन के लिए, पा हो जाएगा पेकिंग मैन के लिए, एन हो जाएगा नेंडरथल मैन के लिए, कार हो जाएगा क्रोमैग्नस के लिए, से हो जाएगा होमो सेपियंस सेपियंस के लिए। सो इस ट्रिक से आप लोग ह्यूमन इवोल्यूशन बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। डॉक्टर राम एंड हनुमान जापान कार से गए, ड्रायोपिथिकस रामापिथिकस ऑस्ट्रेलोपिथिकस होमो हैबिलिस जावा मैन पेकिंग मैन नेंडरथल मैन क्रोमैग्नस होमो सेपियंस सेपियंस। सम मैमल्स लिव होली इन वाटर, व्हेल्स डॉल्फिन्स सील्स एंड सी काउज। सो इसको आप लोग इस न्यूमोनिक से याद कर सकते हैं। वहाँ दी से कहो, वहाँ दी से कहो, वहाँ हो जाएगा व्हेल्स के लिए, दी हो जाएगा डॉल्फिन्स के लिए, से हो जाएगा सील्स के लिए, एंड कहो हो जाएगा सी काउज के लिए। सो गाइज, इवोल्यूशन चैप्टर की ट्रिक्स कंप्लीट हो गई हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना।